अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त, आपका भाई फरहान फयाज हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको पाई नेटवर्क के मोबाइल ब्राउज़र वॉलेट एप्लीकेशन को यूज़ करने का तरीका बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पाई ब्राउज़र से सेंड कैसे करते हैं और रिसीव कैसे करना है आज का वो प्रोसेस आपको समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल कर देना, ताकि इस तरह की न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो पाई ब्राउज़र आपने तो इंस्टॉल किया होगा ऑलरेडी, तो आज की इस वीडियो में आपको सेंड और रिसीव का तरीका बताऊंगा कि अगर आपने किसी को सेंड करने हो या फिर रिसीव करवाने करने हो तो किस तरह से कर सकते हैं। सिंपली आपने पाई ब्राउज़र का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था पाई वॉलेट डॉट पी आई पाई मतलब, ठीक है, तो आपने इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरह का इंटरफेस आपको मिले यहाँ पे आपने वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी क्रिएट अ वॉलेट का ऑप्शन है आपके पास तो कर सकते हैं, लेकिन जनरेट वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो वो कह रहा है कि इट लुक लाइक यू रिसीव्ड अ न्यू वॉलेट एज यू आर मिसिंग फेस ट्वाइस अगेन। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप पहले ही कोई लिंक सॉरी पास फेज कॉपी किया हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं पेज। तो मैं ऑलरेडी जो है वो पेज किया हुआ था, कॉपी किया हुआ था, तो मैं उसको जो है दोबारा से ये भी बहुत ही मसला है। मैं आपको पहले पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, आपने वही जो आप कॉपी किया था आपने उसको क्लिक कर देना है और उसको अनलॉक विद वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप उसको जो है सेव कर लेना है किसी भी नोटबुक में या फिर कहीं पे आपने उसको सेव करके रख लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी वॉलेट को ओपन करें तो वही जो है ये कोड जो है आप कॉपी कर सकें। तो अब यहाँ पर अगर आप किसी को सेंड कर बजाय तो कहाँ सेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो आप मैं आपको तरीका बता दिया आपको, तो आपने ये समझना है कि और यहाँ पे हम जब भी किसी को सेंड करते हैं रिसीव करते हैं तो ये पाई वॉलेट रियल नहीं होते, ना ही इसकी कोई वैल्यू होती है। तो जब भी आप सेंड करेंगे किसी को तो वो दोबारा आपके पास से रिटर्न आ जाते हैं। किसी को सेंड नहीं किया तो मैं अभी इसकी हिस्ट्री चेक नहीं करूंगा भाई। ओके, तो अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हो किस तरह से कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, मैं सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो अब कह रहा है कि टेस्ट सेंड टेस्ट बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे रिसिप्ट एड्रेस, ठीक है, आपने उसका एड्रेस लेना है जो भी आप से मंगवाना चाह रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे लेके यहाँ पे आपने जो है वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आप जितनी अमाउंट उसको भेजना चाहते हैं, ठीक है, वो अमाउंट लिखनी है। अब जैसे मैं एक भेजना चाहता हूँ और उसकी फ़ीस नीचे आ जाएगी, फ़ी मिनिमम 0.01 टेस्ट पाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, लेकिन जो है उसका एड्रेस मस्ट है यहाँ पे पेस्ट करना। अब कोई आपसे मांगना चाहता है कि यार मुझे इतने पाई सेंड करो, तो उसका एड्रेस यहाँ पे आपने कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि आउट ऑफ टेस्ट पाई यू कैन रिक्वेस्ट 100 टेस्ट पाई फ्रॉम द पाई टेस्ट नेट फॉसेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये सेंड का प्रोसेस। उसके बाद अगर आप किसी से रिसीव करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो बैक चलते हैं हम उसी प्रोसेस के ऊपर, और यहाँ पे फिर से आपने वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद तो वही एड्रेस सेम टू सेम जो है यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये आपने कहीं पे सेव कर लेनी है, बार बार आपको वो ऑप्शन नहीं देगा। अब यहाँ पे अगर आप रिसीव करना चाहें तो रिसीव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, ये एड्रेस, ठीक है, पब्लिक की होती है ये, आपने ये एड्रेस कॉपी करके अपने दोस्त को शेयर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, और जैसे ही यहाँ पे आप शेयर के ऑप्शन के ऊपर या कॉपी करके उसको सेंड करेंगे तो वही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको सेंड करने का तरीका बताया है, कि आपने उसको वैलिड एड्रेस देना है यहाँ पे। जैसे ही आप उसको वैलिड एड्रेस यहाँ पे देंगे तो वो
जो है आपको रिसीव हो जाएंगे। जैसे ही वो वहाँ से ये प्रोसेस करेगा सेम टू सेम सेंड का, तो यहाँ पे आपको वो सेंड हो जाएंगे। और वनीशन ने ये क्या हुआ है कि जैसे लाइक एनी पब्लिक ब्लॉकचेन ऑल ट्रांजेक्शन आर पब्लिकली विजिबल ऑन द पाई टेस्ट नेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपको सेंड करने का और रिसीव करने का। उसके बाद अगर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर बात करें शो माय पास फ्रेज, तो यहाँ पे आप करके दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं उसी को जो आपका पास फ्रेज है, जो आपकी पब्लिक की है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सेंड और रिसीव करने हैं पाई के हिसाब से। और बाकी जो ऑप्शन इसमें ऐड हैं, ब्रेनस्टॉर्म हो गया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्रेनस्टॉर्म के ऑप्शन के ऊपर, तो सेम टू सेम वही जो पाई नेटवर्क के अंदर ब्रेनस्टॉर्म का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, तो वही सेम है, कोई इसमें जो है चेंजिंग नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर माइंड डॉट पाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वही सेम प्रोसेस आपको एप्लीकेशन में जो मिलता है वो यहाँ पर भी आपको दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके ऑल कर दें, ताकि इन फ्यूचर मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।